वर्तमान समय में जहां एक और समृद्धि और संपन्न भारत की बात की जा रही है, तो वहीं समाज का एक तबका विकास की धारा से कटा हुआ है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पौड़ी वन क्षेत्र के वन गुर्जरों के बारे में, जो कि इस 5G स्पीड इंटरनेट की दुनिया में खाना बदलने की जिंदगी गुजार रहे हैं। वैसे तो ये वन गुर्जर किसी तरह अपने रोजगार के लिए और परिवार के लिए इन वनों में रह रहे हैं, लेकिन इस बरसात में नदी के किनारे जंगल में बसे वन गुर्जरों में बरसात को लेकर एक दहशत का माहौल है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते सिगड्डी शोध नदी का जलस्तर बढ़ने से वन गुर्जरों के डेरे में अफरा तफरी मच गई है। बता दें कि रात से लगातार हो रही बारिश से अचानक वन गुर्जरों के डेरों के सामने से गुजरने वाली नदी ने भयंकर रूप ले लिया। वहीं इनकी सुरक्षा के लिए वन विभाग ने पत्थरों की दीवार बनवाई थी, लेकिन इस दीवार को नदी के बहाव ने बहा दिया। आलम यह है कि बाढ़ में बहकर आई मिट्टी ग्रामीणों के घरों में घुस गई, जिससे उनके डेरों में रखे चारा मवेशी चपेट में आ गए हैं और रात भर वन गुर्जरों में अफरा तफरी मची रही। पौड़ी से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। हमें नदी से, इस नदी के लिए मैंने बहुत बहुत भागा मैं इस नदी के लिए, डेवलप करने के लिए, और इस नदी का कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। और हम लोग हर जगह में गया, मैडम के पास भी गया, जो हमारे यहाँ एक तो खंडोरी है कोटद्वार में विधानसभा से, उसके पास भी मैंने बहुत कॉल करी, कल भी करी और आज भी करी, रात को भी करी, रात 12 बजे से भी हम फोन कर रहे हैं अपने स्टाफ कोटद्वार को पूरे। मैंने दीवान से बात करी, मैंने यहाँ अपने पंकज जी जो हमारे यहाँ के गुल्लर झाला के, उससे भी बात करी और कोई नहीं यहाँ आया।